जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सौधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमतस्ये 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 नमो नमः। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं महाकाल मुंड मालिनी धाम। हम लोग लेके चल रहे हैं, आज अब बीएनबी की टीम पहुंची हुई है मुंड मालिनी महाकाल धाम, जहाँ देख पा रहे हैं जहाँ महाकाल का यहाँ पर बना हुआ आश्रम भी और मुंड मालिनी का माता का यहाँ पर भव्य मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है। मूर्ति स्थापना हो चुकी है, मूर्ति स्थापित हो चुकी है, लेकिन अभी तक मंदिर का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया है। बिल्कुल झरना बहती है, प्राकृतिक का एक आरोपी छटा है, जिसे लोग यहाँ पर मुंड मालिनी धाम कहते हैं, महाकाल धाम के नाम से जानते हैं। हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और यह नजारा जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महाकाल पुजारी मौजूद हैं, नरसिंह पांडे जी जो आचार्य हैं वो भी यहाँ पर हाजिर हैं। आइए उन लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं। सबसे खास बात यह है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 12 नवंबर दिन रविवार को रात्रि यहाँ पर पूजा होगा और दूसरे दिन सोमवार को कन्या पूजन व भव्य भंडारे का आयोजन होगा। आइए विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं। जो देख पा रहे हैं आप माँ काली का, यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे, इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चबर कुबेर डुलाए रहे, जय जननी जय मातु भवानी, अटल भुवन में राज करे मैया, अटल भुवन में राज करे। हम लोग उसी मंदिर में आ जाए, थोड़ा शिव जी पास आ जाइएगा और यहाँ से हम लोग बाबा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो महाकाल मुंड मालिनी धाम के पुजारी हैं मनोज जी, इनसे बात करेंगे। यहाँ आइएगा मनोज जी, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा दर्शकों को कब आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ पर आने को। श्री राम जय जय राम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी 12 तारीख रात्रि में पूजा है और 13 तारीख को विशेष भव्य भंडारे का कन्या पूजन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी पधारे और पुण्य का भागी बने, ये अंतिम जगह है और यहाँ पर अभी मंदिर बन चुका है, बन रहा है, अभी अधूरा कार्य है, काम हो रहा है। अंतिम स्थान है, मतलब समझ रहे हैं शमशान है, जो इधर देख पा रहे हैं ये शमशान है, इसीलिए मनोज महाकाल ने कहा कि यह अंतिम स्थान है, आना चाहिए। अगर जाने से पहले अगर इस स्थान में अगर मिल लेते हैं, आ लेते हैं तो अलौकिक पुण्य के भागी बनते हैं। हम लोग चलते हैं आचार्य नरसिंह पांडे जी के पास और उनसे जानते हैं महाकाली का जो पूजा होता है उसका विशेष महत्व की जानकारी देंगे कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर हो रहा है और महाकाली की पूजा होती है दीपावली के दिन, क्या खास और क्या विशेष है, क्यों किया जाता है पूजा, बताइएगा पंडित। काली, देखिए काली जो है भगवती का एक काली रूप है और इसमें कहा गया है कि चंडी में मंत्र आता है कि विद्युत दाम सम प्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलस धस्ता भी राशिताम हस्त चक्र गदास खेट विशाम शापम गुणम तर्जनिम विभ्राणामलात्मकाम सिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। कि बिजली की आहट के जैसे इनके इनका बेस है, आकृति जो है इनका बिजली की चमक के जैसे आहट है इनका, कलकल छलछल करती हुई बगल में नदी बह रही, झरना बह रही है और श्मशान का दर्शन हो रहा है। मुंड मालिनी जो है ये बड़ा पवित्र जगह पर यहाँ है और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में मैं पहली बार यहाँ आया, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ दिव्य और भव्य है जगह, दिव्य और भव्य है और ऐसा ही जगह पर ही ये मुंड मालिनी का स्थान होना चाहिए, रम्य और रमणीक है, बड़ा रमणीक है। यहाँ सुबह के बेला में हम देख रहे हैं प्रकृति का सारा छटा हमें देखने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसको वेदों में चंडी में शब्द आता है कि ऐसा ही स्थान पर उनका चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिखपटा धरो, चिता भस्मा लेपो चिता मने श्मशान की राख को भगवान चंदन लगाते हैं भगवती उनका सेवन करते हैं। हाँ महाकाली पति, जहाँ पति है वहाँ पत्नी को जाना पड़ता है, तो दोनों पति पत्नी जो है इस जगह विराजमान है, जब पत्नी है तो पति तो है ही, क्यों श्मशान है, क्योंकि चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिखपटा धरो ऐसा शब्द आया चंडी में, तो ये तो बड़ा भव्य और दिव्य लग रहा है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
कहते हैं दया मई भगवती करुणा निधि सुनना अर्थ पुकार, ना ही मैं पाठ पूजा जानू ना जानू कोई उपचार, केवल नाम आपका ध्याऊं जो है विपत्ति उधार, मैं क्या योग तपस्या करूं कर लू निज उधार, केवल कृपा तेरा मेरा आधार, पग पग का अपराधी तेरा नसिक भरा आकार, अगर तुम ही चाहो तो मेरा बेड़ा होए पार, ओ मैया बेड़ा होए पार, बेड़ा होए पार, अंब काटकर संकट सारा करना बेड़ा पार, ओ मैया करना बेड़ा पार, जगन्नाथ तेरा सेवा करता यही पुकार, अंब काटकर संकट सारा करना बेड़ा पार, ओ मैया करना बेड़ा पार। नमस्कार आप सबों को, बने रहे बीएनबी के साथ, और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय माँ काली, जय माँ भवानी, थैंक यू, हैप्पी दीपावली, अग्रिम शुभकामनाएं, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या पर कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।